अपने संचित करते हैं कि सर आए स्माइल। तो जब तक मैं बात करूं तब तक चेहरे पर स्माइल रखना है ना, लोग सिर्फ फाइन हो तो बोलते गलत बात है, पर ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर में ऐसे ही चलता पता है। मैं इतने जगह जाता हूँ, सब लोग से पूछता हूँ कैसे हो कैसे हो कैसे हो, सब लोग इस फाइन रहते हैं, वो फाइन पे अटके रहते हैं जीवन भर। लोगों ने किसी भी व्यक्ति से पूछो कैसे बोलता फाइन, टैक्सी वाले से पूछो भैया कैसे हो बोलता फाइन, स्कूल में आके प्रिंसिपल से पूछो सर से पैसे पूछो कैसे हो तो भी उतने फाइन, सब लोग फाइन है तो जीवन भर फाइन रहते हैं। मुझे लगता है दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है, गीता ने अच्छा लगे है ना, पर सब लोग फाइन रहते। तो मैंने एक नियम बना के रखा, मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूँ जो खुश होते हैं। तो आप लोग यदि मुझे सुनना चाहते हैं तो आपके पास दो चॉइस है ना, यू आर हैप्पी बाय चॉइस और यू आर हैप्पी बाय फोर्स। कौन सा पसंद है? हैप्पी बाय चॉइस, वेरी गुड। So with this note, let me ask once again, how are you all? How are you all? Very good. बिना जी नहीं सकते, मिट्टी को ठीक करने का काम किया है नहीं, पर खराब जरूर किया होगा क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर फल चाहिए हमको। तो ये मनुष्य कितना मूर्ख हो गया है, जो हवा जीने के लिए जरूरी है उसी को खराब करता है, जो मिट्टी जीने के लिए उसी को खराब करता है, जो पानी जीने के लिए जरूरी उसी को खराब करता है, है ना। मैया में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते, ऐसा माना जाता था। लोग चार धाम के आश्रम गंगा मैया की डुबकी विशेष लगा, थंब और फिंगर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सच 90 डिग्री पता है? 90 डिग्री, ओके, समथिंग लाइक दिस। वो ध्यान से करना है काम, वो ध्यान से करना। फिर क्या करना, धीरे धीरे अंगूठे और उंगली के बीच का गैप कम करना, पास लेके आना, धीरे धीरे अंगूठे और उंगली को पास लेके आना है, वो ध्यान से करना, पास लेके आना है, तो वो पास लेके आएंगे इसे, और अंगूठे और उंगली के बीच में छोटा सा गैप, 1-2 मिलीमीटर का गैप है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब क्या करना है, अपने लेफ्ट और राइट में जो बैठा है उसको देखना है, जो बैठा है उसको देखना है। फिर क्या करना है, यदि किसी के चेहरे पर स्माइल है तो इसको चिमटी फोड़ देना। मैं डीडी पाठक, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बरे का कंचनपुर वाराणसी। सर किस तरह का ये आयोजन हो रहा है और क्या है आज? एक्चुअली एनर्जी स्वराज फाउंडेशन एक है जहां आईआईटी के प्रोफेसर हैं 11 इयर्स के मिशन पर, उनका नाम है श्री चेतन सिंह सोलंकी जी। वो एक मिशन को लेकर के चल रहे हैं कि सोलर एनर्जी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और जहाँ भी अवेयरनेस के चांसेस बन रहे हैं, स्कूल हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं या जहाँ जहाँ भी ऐसा समाज में है, वो एक बस की यात्रा के साथ निकले हुए हैं। तो हमारे यहाँ भी उसी तरह का एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जहाँ बच्चों को हम अवेयर कर रहे हैं सोलर एनर्जी पर। मुख्य बातें आज किस पे चर्चा हो रही है? विशेष रूप से ये है कि हम जो मानव हैं वो अपने जीवन के लिए खतरा खुद ही पैदा कर रहे हैं, तो उन खतरों के लिए विशेष रूप से जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो हवा है, पानी है, मिट्टी है, इसको हम शुद्ध कैसे रख सकते हैं, और ऊर्जा की बचत कितना हम ज़्यादा करें ताकि हम भविष्य के लिए अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ सकें, तो विशेष रूप से इस पर फोकस किया जा रहा है, हम बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।